हेलो दोस्तों, तनाज टेक में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आ गया हूँ फिर एक नया वीडियो लेके। आज जो है अमेज़ोन की तरफ से मेरा एक पार्सल आ चुका है, जो कि है वोया का M1 माइक, जो मैंने अपना यूट्यूब वीडियो के लिए ऑर्डर दिया था। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये मेरे पास है बॉक्स M1 वोया का माइक का। तो चलिए इसका अनबॉक्स करते हैं और अनबॉक्स करके देखते हैं इसके अंदर क्या क्या कॉन्टेंट मिलता है हमको, और आपको रिव्यू भी दे दूँगा ये आपके लिए अच्छा है या नहीं है। तो जानने के लिए ये वीडियो पूरा देखें। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तनाज, आप देख रहे हैं तनाज टेक, लेट्स बिगिन। तो चलिए बढ़ते हैं अनबॉक्स की तरफ। ये हमारा अमेज़ोन का बॉक्स जो है आप देख सकते हैं। तो चलिए इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, काट लेते हैं अच्छे से। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा बोया का मेन कंटेंट, मेन बॉक्स। चलिए इसको बाहर निकाल देते हैं। ये देख सकते हैं हमारा बोया का BYM1 मॉडल नंबर। तो ये मुझे करीबन 750 रुपये में पड़ा है। यहाँ MRP देख सकते हो 1650 का है, और यहाँ कुछ डिटेल्स भी दिया गया है, आप वहाँ डिटेल्स जाके पढ़ सकते हैं, बॉक्स के पीछे लिखा हुआ है। तो बिना किसी देरी करके इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं, देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलता है हमको। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा माइक, ये वायर है 20 फीट का, आप इसे कोई सा भी वीडियो शूट के लिए काम कर सकते हैं। ये हमारा माइक मेन कंटेंट, ये वायर देख सकते हैं यहाँ पे। ये कुछ बैटरी का सिस्टम है, इसके अंदर आप बैटरी लगा सकते हैं। तो ये बैटरी लगाने के पोर्ट दिया गया है, यहाँ पे बैटरी लगा सकते हैं आप इसको, पेंसिल बैटरी। और एक यहाँ स्विच है, आप कैमरा और मतलब स्मार्टफोन के बीच स्क्रीन एडजस्ट कर सकते हैं, आप जिसमें से शूट करना चाहते हैं वहाँ आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसको मोड़ लेते हैं और अंदर क्या क्या दिखता है हमको देख लेते हैं। बॉक्स के अंदर और कुछ नहीं है, एक बैग मिलता है आपको। तो ये बैग बहुत ही अच्छा है, लेदर का है। और क्या मिलता है यहाँ, कुछ यूज़र मैनुअल गाइड मिलता है, यहाँ कुछ डिटेल्स लिखा हुआ है कैसे आप इसे यूज़ कर सकते हैं, और बाकी सब डिटेल्स में लिखा हुआ है। तो और कुछ नहीं मिलता है हमको, तो इसको साइड में रखते हैं, इस बैग को भी साइड में रखते हैं। इसके अंदर देखते हैं क्या क्या मिलता है हमको। तो यहाँ पे हमको एक क्लिप मिलता है, और शेट नीचे गिर गया, कोई बात नहीं, चलिए इसको देख लेते हैं। ये क्लिप है, ये क्लिप आप जब माइक को लगा सकते हैं, अपने बटन सट के बटन पे लगा सकते हैं। ये जो कुट पोर्ट दिया गया है, इसमें अब जो बड़े बड़े बॉक्स होते हैं या फिर स्टेज में ऑडिशन के लिए। और ये बैटरी दिया गया है एक, और इसके अंदर ये जो गार्ड दिया गया है, इसका लेपल का जो गार्ड दिया गया है, तो इसको हम लगा लेते हैं इसके अंदर। ये लगाना हो गया, तो अभी इसको बैटरी को हम लगा लेते हैं, बैटरी को खोल लेते हैं। चलिए, ये हमने इसको खोल दिया ठीक से, खोल के बैटरी को लगा देते हैं। ये बैटरी भी लगा दिया, लगाने के बाद इसको भी टाइट कर देते हैं। तो फिलहाल ये है हमारा बोया का M1 माइक। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमने बोया का M1 माइक का जो है रिव्यू दिया, अनबॉक्स किया। ये बॉक्स है तो इसका हमने अनबॉक्स किया और रिव्यू भी दिया। अभी जो आवाज़ सुन रहे हैं, अब ये मैं विदाउट माइक की यूज़ कर रहा हूँ, शायद आपको सुनाई दे रही होगी, तो ऐसा आवाज़ आता है विदाउट माइक के। तो फिर से प्लग इन कर लेते हैं। तो प्लग इन करने के बाद जैसा कि हमने माइक को फिर से लगा लिया है, तो आप आवाज़ सुन सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वालिटी है, क्लियर आपको आवाज़ सुनाई दे रही है। तो अगर आप इस माइक को परचेस करना चाहते हैं, तो लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके जल्दी से चेक कर लीजिएगा। और पिछला एक वीडियो में मैंने एक और माइक का रिव्यू दिया था, जो कि मुझे करीबन 250 रुपये का पड़ा था, वो लो बजट का है। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते या फिर नया नया यूट्यूब चैनल ओपन किया है, तो उसके लिए आप वो माइक भी परचेस कर सकते हैं। तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। और वो वीडियो देखने के लिए यहाँ आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए ये वीडियो इतना तक ही है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।